अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, मी निशू। जल्दी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन ये इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बातें ही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को कुकिंग शुकिंग थोड़ी बहुत सिखाऊंगी, लेकिन इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप वेट को किस तरह से कम करोगे एंड घर बैठे ही। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताने चाहूंगी कि कोई टोटका, कोई स्लिम टी, ठीक है, कोई ग्रीन टी जो है, कोई जिंजर टी आपका वेट कम नहीं कर सकती। इधर डाल लो ये बात, ठीक है, और इधर पहुंचा लो ये बात। मेन चीज जो होती है वो होती है कैलोरीज वर्सेस कैलोरीज आउट। मतलब आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो उससे कम कैलोरीज अगर आप खा रहे होते हो तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और इसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट, मतलब के कैलोरीज को घटाना। और ये इतना सिंपल है, अभी तक मुझे खुद को नहीं पता था कि ये तमाम चीजें क्या होती हैं, लेकिन मेरे कोच अली ने मुझे सिखाया कि क्या चीज खानी है, कितने फैट्स, कितने कार्ब्स एंड कैलोरीज इनटेक कितनी करनी है दिन के हिसाब से, तब ही मेरा वेट जो है वो कम होना शुरू हुआ। आपका भी हो सकता है। मैं उनका इंस्टाग्राम, उनका जो यूट्यूब लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि उनकी तमाम वीडियोस जो हैं वो इतनी इंफॉर्मेटिव होती हैं कि आपकी सोच है वो देखोगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि ये घरेलू नुस्खे, घरेलू टोटके जो है, ये एक महीने में 10 kg कम, एक महीने में 20 kg कम, ये सब बकवास होता है, इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले जरूरी आप लोगों ने अपनी कैलोरीज काउंट करनी है। देखो एक चीज, देखो अगर आप लोग मेरी तरह हो और आपको पता नहीं है कि फैट्स, कैलोरीज, इन तमाम चीजों को काउंट किस तरह से करते हैं, तो मैं वो वीडियो भी डाल दूंगी जो कि अली ने बनाई है इसी चीज को सिखाने के लिए, उससे आपको ज्यादा अंदाजा होगा कि इन चीजों को काउंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात कि भाई मैक्रोस किसको बोलते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कैलोरीज, कार्ब्स जो भी है उसको मैक्रोस बोलते हैं, और मिल मिला के ये तमाम चीजें जो है कैलोरीज हो जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्रैश डाइट करते हैं, दिन में एक बॉयल अंडा खा लेते हैं या एक एप्पल खा लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारे नाखून खराब हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो कैलोरीज, न्यूट्रिशन जो है वो कम कंज्यूम कर रहे होते हैं खुद को स्मार्ट करने के लिए, और उनकी हालत बुरी हो जाती है। और कुछ ग्राम प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, ये जो चीजें हैं ना, ये खाने से हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट होते हैं। सो हम लड़कियों में पीसीओएस ज्यादा कॉमन है बिकॉज बढ़ते हुए वेट की वजह से, और हम लोग ये समझते हैं कि हमारे हार्मोन्स की वजह से जो है हमारा वेट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मेरी तरह जो कि कहते हैं हम सांस भी लें तो हमारा वेट बढ़ जाता है, और कुछ लोग होते हैं जो कि खाते ही रहते हैं, चूहों की तरह खाते ही रहते हैं, खाते रहना उनको लगता ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको कैलोरीज काउंट करना नहीं आता मेरी तरह, चली बात हो, मुझे भी नहीं करना आता था, थैंक्स टू अली। अली कौन है मैं लिंक नीचे अगेन बता रही हूँ, मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, उनकी यूट्यूब वीडियोज देख सकते हो, इवन के उनका एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें लोग जो है वो अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, अपनी डाइट प्लान जो दिया गया होता है उनकी पिक्चर्स शेयर करते हैं, अपनी डिशेस वगैरह की, तो बंदा थोड़ा मोटिवेट रहता है। वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी इफ यू वांट टू फॉलो दैट, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, आप किसी से कोई सवाल भी करोगे ना तो आपको जवाब मिलते रहेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि जिन लोगों को कैलोरीज काउंट करना नहीं आता तो वो अली से हेल्प ले सकती है। अब मसला ये है कि हम पाकिस्तानियों में कोई पैसे स्पेंड नहीं करता, लेकिन डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, पैसे देते हो, टेस्ट कराते हो, तो मेरे ख्याल से कोच रखने में भी कोई बुराई नहीं है। आपका पैसा ठीक जगह पे जा रहा है, आपको पता लग रहा है कि आप कितना खा रहे हो, कितने ग्राम्स कार्ब्स वगैरह जो है वो इंटेक कर रहे हो दिन में, और आपकी प्रोग्रेस क्या है। लेकिन अगर आप घर में खुद भी डाइट करना चाहते हो खुद से, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए, अब अली मुझे क्या कहते हैं, मेरी डाइट प्लान कैसी है वो मेरे वेट, हाइट एंड हेल्थ के हिसाब से है, क्योंकि मैंने अनाबिया को फीड भी कराना होता है, सो उस हिसाब से है। तो मैं अपना डाइट प्लान आप लोग से शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आगे मैं क्या पकाऊंगी हफ्ते के हिसाब से मैं कुकिंग करके रख लेती हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। सो बेसिक बात यह है कि आप जो है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, आप अपने कोच को बताएंगे, उस हिसाब से आपको डाइट प्लान मिलता है। एक बहुत जरूरी चीज है जो कि लोग हमेशा जो है मिक्सअप कर देते हैं, वेट लॉस और फैट लॉस, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वेट लॉस मतलब कि आपका वजन घटना, एंड फैट लॉस आपकी चर्बी घटना। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेट कम ना हो रहा हो लेकिन आपके इंचेस कम हो जाए, इंचेस मतलब कि आपकी बॉडी जो है वो शेप में आ जाए,
ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वेट लॉस करोगे, एकदम से डाइट करोगे, खाना पीना छोड़ दोगे, तो वो एक अनहेल्दी वे है। मेरे ख्याल से हेल्दी वे में अपना वेट कम करना वो बेस्ट है। मेरा वेट जो है ना वो सिर्फ 2 kg कम हुआ एंड दैट्स इट। और वेट लॉस तो मतलब कोई भी आपको पागल बना सकता है, मतलब कि महीने में 10 kg कम करो, आप खाना पीना छोड़ दोगे, और इवन अगर आप वॉशरूम से भी बाहर आओ और अपना वेट करो तो वेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है। और हमारी बॉडी में ज़्यादा जो पोर्शन है वो पानी का है, मतलब कि खाना पीना छोड़ दिया तो ऑब्वियसली आपका वेट कम होगा, लेकिन इन अ अनहेल्दी वे। बार बार मैं एक ही चीज़ दोहरा रही हूँ, लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप सब कुछ खाओ, क्योंकि खाना जो है वो अल्लाह मियाँ ने, सारी चीज़ें जो अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए बनाई हैं, तो अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो चीज़ें खफा हो जाएंगी ना हमसे। देखिए मेरे कोच जो है ना वो मुझे सब कुछ खाने देते हैं, लिटरली लाइक मेरा डाइट प्लान ऐसा है कि मैं उनसे बोलती हूँ ये बहुत ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। सो बोलने का मतलब ये है कि मेरे डाइट प्लान में मीठा भी है, लाइक चॉकलेट भी है, बर्गर भी है, बिरयानी भी है, एवरीथिंग, और फिर भी मेरा वेट जो है वो कम हो रहा है। लेकिन वेट कम जल्दी होना या ज़्यादा होना, इट डिपेंड्स कि आप साथ में कार्डियो कर रहे हो कि नहीं। कार्डियो मतलब कि वॉक करना, ट्रेडमिल यूज करना, साइकिलिंग करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ में। अगर आप जो है वो भारी भरकम जिम से मसल्स बनते हैं, आपका जो फैट है उसके लिए आपको कार्डियो करना पड़ता है। कार्डियो मैंने बता दिया ना कि क्या है, आप सिंपल वॉक पे निकल जाओ बाहर, तो उससे ज़्यादा आपका फैट जो है वो बर्न होता है, कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है। आई थिंक आई एम मेकिंग सम सेंस, समझ आ रही है कि नहीं, यहाँ सर के ऊपर से यूं शूं करके निकल रही है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक मेंशन कर रही हूँ। अगर आपने वेट कम करना है तो उनसे हेल्प लीजिए, अगर आपने घर में कम करना है खुद ही टोटको से तो मेरा मशवरा है कुछ भी नहीं होने वाला, उससे हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। उनकी मैं YouTube लिंक भी मेंशन कर रही हूँ, वो भी देख लीजिएगा वीडियोस वगैरह के लिए। अगर आप उनसे हेल्प नहीं लेना चाहो तो उनकी फ्री वीडियोस देख के कुछ ना कुछ हेल्प हो जाना है आप लोगों का, एंड दैट्स इट। अब आए वही देखें कि मैं हफ्ते के लिए जो मुझे डाइट प्लान मिलता है वो मैं पूरे हफ्ते का कुक करके फ्रीज कर लेती हूँ, और फिर जब खाना हो तो निकाल के खा लेती हूँ, यू नो, सिंपल एज दैट। और हाँ, एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि जब भी मेरा दिल करता है कुछ खाने को, जैसे पिज्ज़ा हो गया, जैसे कि कढ़ाई हो गई, ऐसी चीज़ें, तो मैं अपने कोच से बोल देती हूँ एंड वो मुझे आगे से बोल देते हैं कि इतने ग्राम तुम खा सकती हो, मतलब कि खुली छूट है। अब ये भी नहीं कि आपने बस बिल्कुल डाइट के साथ ही फिक्स चिमटे रहना है, और ये बेस्ट बात है इस डाइट प्लान की, एंड आई एम लविंग इट, प्रोग्रेस इज रियली गुड। मतलब कि मैं पहले भी इनके साथ काम कर चुकी हूँ, अब दोबारा मैं काम कर रही हूँ, अब जो चीज़ काम कर रही है तो उसको रिकमेंड कर रही हूँ, दैट्स इट। देखिए यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि डाइट ऐसी होनी चाहिए कि आप ख़ुद को भूख से ना मारो, बल्कि गेटफिट एथलेटिक्स की डाइट्स इतने मज़े की होती हैं कि फुल फिलिंग होती है। अब यहाँ पे मैं लंच कम डिनर बना रही हूँ, और उसके लिए ये किचन स्केल यूज़ करूँगी, सारी चीज़ें नाप तोल के डालूँगी, ग्राम, ml, इस तरह से। सो मैं चिकन लूँगी और कोफ्ते बना रही हूँ, मैं एक्चुअली बना के फ्रीज कर लूँगी, एंड जब खाना होगा फिर निकाल के खा लूँगी पका के, ठीक है। कभी कोफ्ते हो गए तो कोफ्ते का दिल ना किया तो मैं बस कीमा फ्राई करके खा लिया 5 ml ऑयल में या 10 ml ऑयल में, जितना डाइट में लिखा होता है। देखो जब मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी मेरा वेट था 79.1, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, और अब मेरा वेट जो है ये 77.1 है। सो बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग गेटफिट एथलेटिक्स से डाइट लेना चाहो या किसी और से, इट डिपेंड्स ऑन यू, जो आपके लिए काम करता हो, बट आई वुड रिकमेंड गेटफिट एथलेटिक्स। सो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं सब कुछ चॉपर में डाल के एक साथ ही चॉप करके, और कोफ्ते रेडी। सो जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं फिर मैं उसे एक बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, एंड जब पकाना हुआ तो पका लेती हूँ। सो इनकी डाइट प्लान जो है वो 1 महीने की भी होती है, 3 महीने की भी होती है, जो आपकी मर्ज़ी, जो पैकेज आप लेना चाहो। सो यहाँ पे मैं अपने लिए चिकन कढ़ाई बना रही थी इनके डाइट प्लान के हिसाब से, एंड बाकी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊँगी। सो ये हो गया डन, और इसको मैं जो है इस तरह के बॉक्सेस में रख लेती हूँ, जब खाना हुआ निकाल लेती हूँ। 50 बार मैं बोल चुकी हूँ भाई, बस मैं सेटिस्फाइड होंगे नहीं, तो आपको फ्रीज को भी बोल दूंगी भाई, निशू सेटिस्फाइड है, बस जैसा मर्जी आप लोग उनका करना, डाइट करो इनका पेज, इनसे डाइट लेनी है, लो नहीं लेनी, मेरे रेडी है, अपनी मर्जी से स्टोर कर लिए, अब जा रहे हैं भाई फ्रीजर में, चिकन भी जाएगा फ्रीजर में, और बाकी मैंने सालन सूलन भी बना लिया, फ्रीजर में रखा है, साग भी रखा है बॉयल करके,
और ये अनहेल्दी खाना जो है वो है मेहमानों के लिए. ये मटर मैंने रखे हैं, ठीक है, और ये रही मैं. सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को अपनी प्रोग्रेस दिखाऊंगी एक महीने बाद कि मेरा वेट कितना कम हो चुका है. एंड इंशाल्लाह हो जाएगा, है ना, उम्मीद है. सो भाई इंतज़ार किस बात का है. लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक अपना ढेरों ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज़. अच्छा एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि कमेंट सेक्शन में फिर हर कोई पूछता है कि आपने लिपस्टिक कौन सी लगाई है. तो लिपस्टिक मैंने मैक की लिपस्टिक लगाई है इन शेड मेहर, ठीक है, और ऊपर ग्लॉस मैंने लगाया है मेकअप रेवोल्यूशन का पाउड बॉम प्लम्पिंग लिप ग्लॉस विद मिड जो क्या हो गया है मेकअप रेवोल्यूशन का पाउड बॉम प्लम्पिंग लिप ग्लॉस विद विटामिन ई इन शेड किस. ये मैंने सेल में खरीदी थी अभी रिसेंटली. अब जाओ तुसी डाइट करो, वजन कम करो. और जैसे भी हो लव योरसेल्फ, चाहे आप हेल्दी हो चाहे आप कमजोर हो, जिस भी बॉडी शेप में हो, जस्ट लव योरसेल्फ एंड आई लव यू.